नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों आज का वीडियो है, हम ये बात करने वाले हैं इमल्शन के ऊपर कि जो हम कोई भी इमल्शन अपने फ्रेम पे लगाते हैं तो वो कौन सा होना चाहिए। अभी जस्ट रिसेंटली बात है दोस्तों, एक कस्टमर का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मुझे इमल्शन लेना है। तो उन्हें मैंने नाम बताया और नाम बताने के बाद उन्होंने सबसे पहले पूछा कि कौन से कलर का इमल्शन है। तो दोस्तों हमारे पास जो इमल्शन है हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ब्लू कलर का है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ग्रीन कलर का इमल्शन चाहिए। तो मैं वो चीज़ समझ नहीं पाया कि उन्होंने ऐसे ग्रीन क्यों मांगा है, क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी ये एक चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, इमल्शन में सिर्फ दो ही टाइप्स के इमल्शंस आते हैं बेसिकली अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक होता है सॉल्वेंट बेस और एक होता है वाटर बेस। ऐसे ये दो ही सॉल्वेंट हम ज़्यादा करके मार्केट में है यूज़ करते हैं। अब वो कलर, शायद वो कलर के ऊपर से काम करते हों इसके लिए उन्होंने कलर मांगा, क्योंकि अभी ये जैसे CS5WR जैसे एक इमल्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोजली करके। जैसे ये CS5WR है, इसमें चार कलर आते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड और ऑरेंज, ऐसे चार कलर करके आते हैं। तो इससे कलर से कोई इशू नहीं होता है, बस आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि ये जो हमारा मटेरियल है वो वाटर बेस्ड है या सॉल्वेंट बेस्ड है। अब जैसे ये A1 इमल्शन है, ये भी ब्लू कलर में है देखिए, बट ये क्या है, सॉल्वेंट बेस्ड है। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा है, और यहाँ पे ये देखिए। अब आप बोलेंगे सॉल्वेंट बेस होता क्या है और वाटर बेस में क्या डिफरेंस है। सॉल्वेंट बेस एक अगर हम लोग नॉर्मल इसमें बात करें तो जो ऑयल बेस इंक होते हैं उसे हम सॉल्वेंट इंक, सॉल्वेंट बेस इंक कहा जाता है। यानी जहाँ पे हम लोग जैसे ऑयल पेंट हो गए, इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसके हिसाब से ये सॉल्वेंट बेस इंक इमल्शन बनाया जाता है। तो हमको वो ध्यान देना है कि हमें कहाँ यूज़ करना है वो। जैसे अभी ये A1 इमल्शन है, A1 इमल्शन ज़्यादा करके अगर आप देखो तो PVC इंक्स में ज़्यादा होता है, जैसे नॉन ओवन बैग हो गए, प्लास्टिक्स के जो शीट्स हो गए उस पर जो प्रिंट करना है तो उसमें ज़्यादा करके ये इमल्शन इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो जो इंक है वो सॉल्वेंट बेस इंक होते हैं, इसके लिए ये इमल्शन हमें यूज़ करना है। और ये जो है वाटर बेस इंक है तो ज़्यादा करके मैं इसे रिकमेंड करता हूँ। दूसरी चीज़ में एक और चीज़ बतानी रह गई, इसका जो सॉलिड कंटेंट होता है यानी इसका जो मटेरियल होता है, एक सरल भाषा में अगर बात करें तो इसका जो सॉलिड कंटेंट होता है CS5WR में, जहाँ पे हम लोग टी शर्ट प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं, तो उसमें 40% मोर देन 40% सॉलिड कंटेंट होता है। और वहीं जो A1 इमल्शन होता है इसमें 25-30% हमको सॉलिड कंटेंट यहाँ पे होता है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कंपनी की तरफ से बताई गई हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ वो चीज़। तो सॉलिड कंटेंट होने की वजह से क्या होता है कि जब भी कोई हम कोटिंग करते हैं तो कोटिंग कर, क्योंकि क्या होता है हमारा जो प्लास्टिसोल जो इंक होता है वो थोड़ा सा थिक होता है अपना PVC और जो मैट इंक और ग्लॉसी इंक के मुकाबले में देखो तो होता क्या है, अगर हम लोग जो सॉल्वेंट बेक अगर उसमें हम लोग यूज़ करने लगे तो क्या होगा, थोड़े समय के बाद वो जो हमारा इमल्शन है वो उखड़ने लग जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या है, हम जिसमें सॉलिड कंटेंट ज़्यादा है वो हम इस्तेमाल करते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग में लिए, टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए, जिसमें प्लास्टिसोल हो गया, वाटर बेस्ड हो गया। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें अगर स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप एक हमारा बेसिक स्क्रीन प्रिंटिंग ट्रेनिंग का ऑनलाइन एक सेशन हम रखते हैं, बहुत ही मिनिमल फ़ी है उसकी, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके एक पेज होगा, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेलिटी बताई गई है नाम नंबर डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ऑनलाइन में 2 दिन का जो बेसिक हमारा जो ट्रेनिंग है उसे आप ले सकते हैं। सारे डाउट्स आपके जो भी हैं बेसिक स्क्रीन प्रिंटिंग के वो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। साथ में ही दोस्तों अगर आप कोई मटेरियल आपको जो नहीं मिल पा रहा है आपके लोकल एरिया में टी शर्ट प्रिंटिंग के रिलेटेड, स्क्रीन प्रिंटिंग के रिलेटेड, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल पाती हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं,
और ऑल इंडिया में कहीं भी वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पहुँचा दी जाएंगी वाया कुरियर। दोस्तों अगर आप हमारा ये स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो भी मटेरियल मशीन्स या ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी वो हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, ट्रेनिंग आपको पूरा एक दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग, टी शर्ट प्रिंटिंग कैसे की जाती है, इसका पूरा आपको सेटअप भी मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद।